हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो में आप देखेंगे, एक कप सूजी से हमने बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार किया है और ये जो नाश्ता है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सुबह शाम के नाश्ते में आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सूजी का नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है एक कप सूजी, एक लिया है उबला हुआ आलू जिसे कि आप देख सकते हैं हमने कद्दूकस कर लिया है, दो मीडियम साइज के टमाटर को भी हमने कस के लिया हुआ है और साथ ही लिया है एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो सारी चीजों को तैयार करके हमने रख लिया है। तो सबसे पहले ये जो हमने सूजी ली है एक कप, इसे हम छानेंगे। और छानने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर जो हमने पानी लिया है वो गर्म पानी है, क्योंकि गर्म पानी में सूजी को मिलाने से सूजी जो है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत देर तक सूजी को हमें रखना नहीं पड़ता है सेट होने के लिए। एक कप सूजी में हमने एक कप पानी का यूज़ किया है। 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद हम खोल कर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी जो है सॉफ्ट हो चुकी है और सूजी का जो मिश्रण है पहले से गाढ़ा हो गया है। तो पानी इसमें और नहीं मिलाना है। तो इस फूली हुई सूजी में हम ऐड कर देंगे उबला हुआ आलू। तो आलू आप देख सकते हैं कद्दूकस किया हुआ है। प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे, कसा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, जिससे कि इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस इतने ही मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं। तो बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ हम नहीं करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से एक साथ मिला देंगे और इस तरह का मिश्रण बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह हम पकौड़ों का मिश्रण बनाते हैं ठीक उसी तरह। तो बैटर तैयार है, फटाफट से अब हम बनाएंगे। यहाँ पर हमने गैस पे रखा है एक पैन, थोड़ा सा घी डालकर इसे हम चिकना करेंगे और जो ये हमने सूजी का मिश्रण बनाया है एक छोटी चम्मच के करीब लेंगे और पैन पे हम इस तरह रखते जाएंगे, मतलब छोटे छोटे से इसके हम पकौड़े टाइप के बना लेंगे। जितने पैन में आसानी से आ जाए उतने आप बना लें। और फिर पैन को ढक के रख दें, गैस का फ्लेम लो कर दें, धीमी आंच पर पकने दें, जिससे कि ये नीचे से भी पकेंगे और ऊपर से भी पक जाएंगे ढकने से। तो 2 से 3 मिनट बाद आप खोलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो कलर है ऊपर से चेंज हो गया है, मतलब जो सूजी है पक चुकी है। इसे हम पलट देंगे। और पलटने के बाद थोड़ा सा और पकाएंगे दूसरी साइड से। जब दूसरी साइड से भी पक जाए तभी हम इन्हें प्लेट में निकाल देंगे। मिश्रण जो है अभी बहुत सारा बचा है तो उसके भी हम इसी तरह बनाएंगे। आप चाहें तो इस तरह हाथ से भी रख सकते हैं शेप देते हुए। तो बस इन्हें भी हम ढक देंगे, ठीक जैसे हमने पहले वाले बनाकर तैयार किए हैं उसी तरह इन्हें भी बना देंगे और सिकने के बाद प्लेट में निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने इतने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इन्हें चाहे तो आप इसी तरह चटनी से खा सकते हैं या फिर हल्का सा फ्राई कर लें। इसी पैन में डालें थोड़ा सा तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए थोड़ी सी डालें राई, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, मिला दें। और जितने भी हमने स्नैक्स बनाए हैं सूजी के पैन में डालें, सभी को अच्छे से मिलाएं और पैन में थोड़ा सा फ्राई कर लें। हल्का सा गोल्डन सा कलर जब दोनों साइड से इनमें आ जाए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दें और बस आप इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें चटनी या सॉस के साथ।
अभी जो ये पैन है इसमें थोड़ा सा तेल है, तो जो मिश्रण सूजी का बचा हुआ है उसका हम चीला बनाकर तैयार कर लेंगे। चम्मच से अच्छे से फैलाएंगे। और इस तरह हम चीले को बना लेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, कवर करके रखेंगे, तो उसे 3 मिनट के लिए नीचे से पकाएंगे। और जैसे ही नीचे से हल्का सा गोल्डन सा ब्राउन हो जाए पलट देंगे और दोनों ही साइड से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 कप सूजी से पहले हमने इतना सारा नाश्ता बनाया और उसी में से बचे हुए मिश्रण से हमने एक चीला बनाकर भी तैयार कर लिया है। तो आप चटनी या सॉस के साथ नाश्ते को सर्व करें। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।